गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है जमा जहान में। आज फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आया हूं आपके सामने में। और मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम लोग का होता है 12 आवर का ड्यूटी होता है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है। और रमज़ान की वजह से 2.5 घंटा कम किया गया है। हालांकि जो 3 आवर्स हम लोग जो एक्स्ट्रा करेंगे वो ओटी के रूप में जाएगा, और साथ में है फैज़ान भाई, क्योंकि हम लोग हमेशा अक्सर हम और फैज़ान भाई जाते हैं। अभी जितने भी बंदे नए साइट पे हैं, ज़्यादातर उनमें अभी नए बंदे हैं। तो आज हमारे पास 5 टिकट हैं। यारो का जो काम हुआ है वो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं आपको बताना भूल गया था, वो एसी का काम है हम लोग का, एसी मेंटेनेंस का हम लोग का काम। इस गाइस को परमिट मिलने के बाद अब हम लोग काम की तरफ निकल चुके हैं। और ये सामने में एक रिमोट हेडर है जहाँ बहुत सारे वेल्स का एक कनेक्शन लगी होती है, वो जगह है ये, जिसे रिमोट हेडर के नाम से बोलते हैं। इससे पिछले वाले ब्लॉग में बताया था। और बहुत बहुत मोटी पाइपें लगी होती है, पाइपलाइन बिछी होती है, जहाँ एक हाईली प्रेशराइज में जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, लिक्विड हो या फिर गैस हो। यस गाइस, तो अभी हम लोग पहले बिल पे पहुँचे हैं और यहाँ से काम ख़त्म करके अब हम लोग को दूसरे वेल्स की तरफ जाना है। और ज़्यादातर वेल ऐसे होते हैं जो एक एक इलेक्ट्रिकल रूम होता है और बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ इधर देख सकते हो। मैं एक छोटा सा व्यू आपको दिखाता हूँ। और इधर हम लोग का काम चल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल रूम है। क्या हुआ, पावर नहीं आ रहा उसमें? यार सच में रास्ते में इतना ज्यादा पानी है कि आपको लगेगा कि फ्लड आ चुका है, यानी बाढ़ आ चुका है। बट ये शायद पिछले कल रात को ही बारिश हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मौसम बहुत ही ख़राब था। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग का काम अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एक व्हील स्ट्रिप बाकी है। और ये जो रोड आपको सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं येब्रिन रोड। यस गाइस, तो इसे कहते हैं रिग। और जब रिग का काम पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ जिस तरह व्हील है उस तरह बनाया जाएगा। पूरे में शीशा लगा हुआ था और जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये वाली जो पता नहीं इसका हाइट कितना होगा, पर आई थिंक जैसे यहाँ पे जो काम करने वाले थे, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि अंडर कंस्ट्रक्शन था ये, अभी कुछ ही दिन पहले फिनिश हुआ है, पूरी तरीके से फिनिश भी नहीं हुआ है। बट हवा का इतना तेज़ बौछार था, इतना तेज़ हवा थी, वो भी छोटे छोटे कण होते हैं उससे, और आपको दिखा दूँ के इस तरीके से मतलब गिरा हुआ है, कितना फोर्स में और कहाँ तक गिरा हुआ है ये देखो। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था ऑलरेडी। अच्छा, मैं हम लोग की जो गाड़ी पार्क होती है वो अक्सर इस पोजीशन में होती है, बट कल हम लोग का ड्यूटी था, कोई नुकसान नहीं हुआ। बाय द वे अगर होता तो ये फिर हम लोग के साथ भी मसला हो सकता था। और बिल्कुल आई थिंक कम से कम ये 5 से 6 हज़ार रियाल का ये खसारा है। और हमारा जो ड्यूटी आवर्स था वो ख़त्म हुआ और अभी रूम की तरफ जा रहे हैं। कुछ मार्केटिंग वगैरह किया है हम लोग ने, क्योंकि जो अफ्तार का जो सामान वगैरह होता है वो हम लोग ने लिया है। और फिर इंशाल्लाह कैसे तैयारी करेंगे वो भी दिखाएंगे आज फिर से। और चलो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या है। गाइस एक साइड में हमारा सूप के लिए बन रहा है और एक साइड में हमारा चिकन बन रहा है। यस गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने इफ्तार कर लिया है और नमाज भी अदा किया हर रोज़ की तरह, क्योंकि रमज़ान का सेम शेड्यूल रहता है। और बस दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करते रहिए, प्यार कीजिए और भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।